हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो मेरे हाथ में है रियलमी 2 और बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई रियलमी 2 का क्लोन ऐप के बारे में कुछ बता दो। मुझे ये नहीं पता क्यों बोल रहे थे, पर बहुत लोगों ने कमेंट्स किया। इसी के चलते मैं आज आपको क्लोन ऐप के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स दूंगा। देखो भाई, क्लोन ऐप बहुत टाइम से है, पर अभी कुछ नया एप्लीकेशन को भी उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। इसी के चलते क्लोन ऐप में और भी सारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंक्लूड हो गया। आज बात करेंगे कौन कौन सा एप्लीकेशन इंक्लूड हुआ है, आप एप्लीकेशन को क्लोन कैसे करोगे, क्लोन एप्लीकेशन में सिक्योरिटी कैसे लगाओगे, सिक्योरिटी कैसे उठाओगे, सारे की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आया था, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लोन ऐप्स में जाना है तो सिंपली आपको मोबाइल के सेटिंग्स में आना है। मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऐप क्लोनर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो ऐप क्लोनर है यहाँ पर आपको जाके टैप करना है। टैप करने के साथ साथ आपके सामने जो जो एप्लीकेशन क्लोन हो सकते हैं वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता था, पहले पहले के टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही वगैरह क्लोन हो सकते थे, पर अभी जाके यहाँ पे फोन पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब एप्लीकेशन को इंक्लूड कर दिया है। गूगल पे को क्यों नहीं इंक्लूड किया मुझे पता नहीं, फोन पे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, गूगल पे यूज़ करता हूँ। आप लोगों में से कौन कौन लोग गूगल पे यूज़ करते हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि भाई गूगल पे को क्लोन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों तीनों अकाउंट एक साथ मेंटेन होता रहता है। तो ठीक है भाई लोग, ये तो बात है भाई, ये है क्लोन ऐप का टोटल इंटरफेस। और अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को क्लोन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी एप्लीकेशन को जाके टैप करना है और वहाँ पर जाके क्लोन ऐप को इनेबल कर देना है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप में इनेबल कर रखा है, तो व्हाट्सएप में इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप उस क्लोन का नाम भी व्हाट्सएप ही रखना चाहते हैं, व्हाट्सएप क्लोन रखना चाहते हैं, या आप अपने हिसाब से कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है। ये है मेरा एक्चुअल व्हाट्सएप जो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल व्हाट्सएप है। और एक्चुअल व्हाट्सएप के बाद में यहाँ पर एक और व्हाट्सएप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है व्हाट्सएप क्लोन। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इस यहाँ पे मैंने अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये है आपका व्हाट्सएप क्लोन जो कि पूरा का पूरा एक नया व्हाट्सएप है। आप यहाँ पे नया नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, नया व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं और व्हाट्सएप को नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा वो अलग से स्टोरेज होगा और इसका जो साइज है वो भी अलग से स्टोरेज होगा। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर टोटली डिफरेंस है। तो ये है भाई क्लोन एप्लीकेशन। अभी आप फेसबुक का भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का भी कर सकते हैं, आपका तो ऑप्शन दिए दिया है ना, फ्लिपकार्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, ये तो बात होगी। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं भाई, व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ है या फ्लिपकार्ट एक ऐसा चीज़ है या इंस्टाग्राम ऐसा चीज़ है, बहुत लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐप लॉक लगाते हैं। और ऐप लॉक लगाने के टाइम क्या आपको सेपरेट दोनों एप्लीकेशन में अलग से ऐप लॉक लगाना पड़ेगा, ये एक एप्लीकेशन में लगाने के बाद आपको दोनों एप्लीकेशन में काम हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोग एक बार के लिए दिखा देते हैं, जस्ट एक पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। एक सेकंड में कुछ गलत टैप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली ऐप इंक्रिप्शन में जाना पड़ेगा और बेसिकली आपको एक काला स्क्रीन आया होगा। तो सिंपली मैं जाता हूँ झटाझट करके नीचे और जाते हैं व्हाट्सएप में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन ऐड किया गया है जो ऑप्शन है व्हाट्सएप इंक्लूडिंग क्लोन। तो यहाँ पे एक बात तो सही है भाई, अगर आप व्हाट्सएप को ऐप लॉक से ढकना चाहते हैं तो वो क्लोन वाला व्हाट्सएप भी ऐप लॉक से अटक जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर आपको इनेबल करना है पासवर्ड वेरिफिकेशन, तो आपको क्या करना है, दोनों ही व्हाट्सएप में जो क्लोन है और जो नया है, इन दोनों ही व्हाट्सएप में आपको जो कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आइए, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया भाई मेन बात। अभी हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं इसके अलावा, ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, इसके अलावा कौन कौन से एप्लीकेशन में क्लोन ऐप यूज़ हो सकते हैं, तो चलिए एक बार के लिए हम वो भी दिखा देते हैं। ऐप क्लोनर में जाइए और उसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, ये जो लेटेस्ट अपडेट आया था ये कलरवे 6.01 है, पर बहुत लोग नहीं मान रहे थे इसीलिए मैं भी इसको कलरवे 6 ही बोल रहा हूँ, तो चलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नया चीज़ है वो है ऐप डैट कैन बी क्लोन्ड। यहाँ पे कौन कौन से ऐप क्लोन ऐप हो सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऐप एलिजिबल है क्लोन एप्लीकेशन के लिए, यानी आप उस एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो। चलिए एक बार के लिए टैप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट आएगा हमारे सामने जिसके अंदर लाइन है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, पता नहीं लाइन वगैरह कोई यूज़ करता है कि नहीं, बीबीएम वगैरह कोई यूज़ करता नहीं पता नहीं, मैसेंजर बहुत लोग यूज़ करते हैं, हाइक भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, वाइबर, मैसेंजर ये भी पता नहीं कब का है, और ये जो वी चैट है और ये भी यूज़ करते हैं, और जो लास्ट वाला चाइना में लिखा हुआ है ये एक्चुअली वीबो है, ये चाइना का बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ न्यूज़ वगैरह जानने के लिए, ट्विटर टाइप का कुछ है। तो ये सब एप्लीकेशन क्लोन हो सकते हैं, पर ट्विटर भी तो क्लोन नहीं हो सकता ना, हाँ मैंने देखा नहीं, हाँ ट्विटर भी क्लोन नहीं हो सकता। तो भाई ये सब एप्लीकेशन अभी रियलमी 2 में जो कि एलिजिबल है, अभी आप
को कोई और एप्लीकेशन में अगर क्लोन दिखाई मिला तो ज़रूर से ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पास ये तो यही एप्लीकेशन है और मुझे पता भी नहीं और कौन कौन से एप्लीकेशन में क्लोन ऐप इन्होंने ऐड किया है। गूगल पे में क्लोन ऐप ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गूगल पे यूज़ करता हूँ। मुझे जो लगता है बहुत लोग ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे यूज़ करते होंगे। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही, रियलमी 2 का क्लोन ऐप के बारे में भाई डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, डेडिकेटेड वीडियो बनाओ मैंने बना दिया। अभी आप देख के बताओ आप किस लिए वीडियो चाह रहे थे, मैंने टोटल डिटेल्स दे दिया। अभी आप बताओ आपका क्वारी सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर सॉल्व हुआ तो वीडियो को लाइक, तो भाई ऐसे ही, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।